दोस्तों आज बात करेंगे 20 एचपी के मोटर के बारे में। तो दोस्तों ये एबीवी का जो मोटर है और इसके बारे में हम आज पूरा डेटा देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं पूरा का पूरा कनेक्शन वाइज जो भी डेटा है, यानी कि जो इसमें गेज आता है, कितना लीड आता है, कितना पिच आता है, कितना इसमें वेट जाता है, वो पूरा का पूरा टोटल मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और दूसरी चीज़ कि छोटे बड़े जो स्लॉट का जो सिंगल फेस का मोटर आता है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को बनाने में या मेरे दोस्तों को बनाने में, तो उनका भी मैंने उस मोटर का भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप जाकर चित्र से देख सकते हो, ठीक है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इस ये जो मोटर है 36 यानी कि 36 स्लॉट का मोटर है, और इसमें जो पिच है दोस्तों वो 8-10-8 यानी कि 8-10-8 का है, जिसमें 8-10-7 में बना हुआ है और 8 का जो सिंगल है वो कट कर बना हुआ है। तो यहाँ पर सेट कैसे डालते हैं अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वाइंडिंग करते हैं तो आप सेट डालना भी अच्छी तरह से आता होगा, अगर आप नॉलेजबल के लिए वीडियो देख रहे हैं तो भी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो इसमें जो है जो वायर का जो लीड होता है दोस्तों 4 लीड होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो 4 लीड होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो ये 4 लीड है दोस्तों वायर का जो देख रहे हो साथ में चलता है, तो इसमें 3 19 है और 1 20 है, ठीक है, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मोटर कटिंग करते हैं तो उस टाइम हमें पता चल जाता है कि कौन सा क्या है, क्या चीज़ है। अगर आपके पास में डेटा है या नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस मोटर के बारे में पूरा जानकारी लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, इसका मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है डाटा, ठीक है, पूरा कम्प्लीटली। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा, वो पूरा आपको दिखा दूँगा, तभी आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि वो डेटा क्या है, पिच क्या है, गेज, कंपनी, वेट, आरपीएम, जो भी कुछ भी है 1440 का जो आरपीएम है, ठीक है। तो मैंने ये सेट पहला डाल दिया है। अगर मैं आपको पूरा का पूरा मोटर वाइंडिंग करते हुए दिखाऊं तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये मैंने जो एग्जांपल के लिए सेट मैंने डाल लिया है, ठीक है। और इस तरह हम दूसरा सेट है जो भी वो भी डालेंगे, तो कैसे डालते हैं वो एक सेट मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाल कर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम फटाफट जो है इसमें एक सेट और डाल लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों बाकी जो आगे का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो इसका कनेक्शन है वो कनेक्शन है डेल्टा और एबीबी का मोटर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले 8-10 का डाला था, फिर बाद में एक छोड़कर यहाँ पर 8 का डाला था, जैसे आपको पता है। अभी मैं डबल वापस डाल रहा हूँ यानी कि 8-10 का डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 2 छोड़कर यानी कि 2 स्लॉट छोड़कर यहाँ पर डालूँगा। तो ये मैं 8 वाला कॉइल डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं 10 वाला डालूँगा। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो सेट है वो 3 कॉइल का है, जिसमें से 8 का जो है कटेगा और जो 8-10 का है वो साथ में जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा जो मोटर है वो वाइंडिंग कर लेंगे, उसके बाद में आगे का प्रोसेस क्या होता है, सिलाई, कनेक्शन वगैरह पूरा होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इसी तरह जो आपको मैंने बताया था उस तरह मैंने पूरा का पूरा जो मोटर है कम्प्लीट वाइंडिंग कर लिया है, ठीक है, पूरा कम्प्लीटली मैंने वाइंडिंग कर लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों पीछे का जो है इसका सिलाई करेंगे और आगे में जो सेपरेटर डालेंगे यानी कि पीछे में भी सेपरेटर डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर सेपरेटर डाल के इसका कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका डाटा, ठीक है, लिखा हुआ मैंने रखा है ताकि आपके अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि जो इसका डाटा है वो इस तरह है कुछ, तो इसमें आप टन देख सकते हो, टन है जो 22 22 22 यानी कि सभी कॉइल में बराबर है। वो आपको पता है ये जो सिंगल फेस का कोई मोटर आता है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है टन में, बाकी इसमें सेम है, ठीक है, 3 फेस में सब सेम आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 22 जो है इसका टन है और पिच जो है 8-10 का है और 8-10-8 का है, ठीक है, और 8 का जो सेट है वो कट कर डलता है, और गेज जो है 19+19+19+20 है, ठीक है, और एचपी जो है 20 है और एबीबी कंपनी का ये मोटर है और आरपीएम 1440 है, कनेक्शन इसका डेल्टा है, वेट इसका 9 kg जाता है। दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें सबसे पहले, ठीक है।